ऐसे मंदिर के अंदर कभी हो। क्या है इसके अंदर बता दो। ये देखिए ग्रीन तारा है, तिब्बत में 15 पौधों सरकार करने का पूरा तिब्बत को बताया गया। ये सवाल ये भाई ये शिवलिंग है, यहाँ पांडव आए थे, गया विष्णु पता आए थे पांडव बृंदा करके, उसी के नाम पर पांडव बोल रहे थे। शिवलिंग है देखिए शंकर पांचों पांडव बुद्ध की मुद्राएं हैं, लेकिन पांचों पांडव गया विष्णु पता आए थे पाला डायनेस्टी में सारा चीज। ये पांचों पांडव है, भगवान बुद्ध का चरण है, कल्पना करके लेता है चरण अन्नपूर्णा देवी है। यह अशोका गेट है, 2300 साल पहले ओरिजिनल था, 1205 तो बाद ब्रिटिश काल में कॉपी किया अशोका गेट। अच्छा 1200 साल पुराना, 2300 साल पुराना, 1205 एडी में तोड़वाया जो ब्रिटिश काल में कॉपी किया गया। अच्छा ये बुद्ध का टेम्पल है, ये भगवान बुद्ध का माता जी मां माया देवी का टेम्पल है। अच्छा बुद्ध बुद्धा की माता है, बुद्धा का माता है इसके मंदिर के अंदर। अच्छा वहाँ पे भी जा रहे हैं ना, चलेंगे बोलिएगा तो ये बेल शांति की जा सकते हैं। हाँ ये बहुत ही प्राचीन काल का बेल है, ये बेल का महत्व कब था, जब पहले थाईलैंड बर्मा श्रीलंका में लोग ध्यान करते थे साधना करते थे, जब ये बेल बजता था माइंड को कॉन्स्टेंट कर देता शांति बेल ओम का आवाज आता ओम। ये 5वां सप्ताह चलेंगे ना इसको, इसे अज्यपाल कहा जाता है, भगवान बुद्ध का 5th वीक है। अज्यपाल निग्रोड ब्रिज बट बीट, अज्य किसे कहते हैं, बकरे चराने वाला गरेरिया जाति को अज्य कहते हैं, और बकरी पालने वाला के पाल कहते हैं। निग्रोड एक पाली वर्ड ब्रिज का मतलब ब्रिज बट बनियंटी। तो बुद्ध 5वां सप्ताह यहाँ पर कुछ चरवाहे गरेरिये को कुछ ज्ञान की बात बता रहे थे। अच्छा और ब्राह्मण के छोटे बच्चे वर्त कराते बुद्ध की अशब्द बातें, बोले आप जन्म से ब्राह्मण है, बुद्ध कहते कोई जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता, पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी पंडित है। और बुद्ध के जमाने में एक बड़ भी था बरगद का पेड़ था, जो आंधी आए तूफान पर दिखा था जो पिलर है, बरगद का पेड़ था बुद्ध के जमाने में जो खत्म हो गया उसके जगह पर पिलर बना था। भगवान बुद्ध कहते कोई जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता। Thank you.
खातिर, गर्मी का बचाव खातिर के है। बुद्ध का माता जी महामाया देवी। अच्छा, उनकी माता का नाम महामाया था। हाँ। ये सब सोने का है? सोना कौन चला गया, कुछ सोना है। अच्छा, ये सब किताब है, बहुत बिचुक पढ़ने के लिए। गाइस, ये था पूरा व्यू। सिद्धार्थ का जन्म यहाँ नहीं, नेपाल में हुआ था। ज्ञान मिला बोध गया में। तो उनकी माँ यहाँ पे रहती थी? उनकी उनका माता जी का है मूर्ति, आए थे माँ ना उनके। अच्छा, ज्ञान अच्छा। मिलने के बाद। अच्छा, मिलने आए थे। मैंने बुद्ध का पूरा परिवार का रिलेशन दिखाया गया है। अच्छा अच्छा, ज्ञान दिए सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, जन्म मृत्यु से मुक्ति हो गया। अच्छा, मैंने गाइड किया, पहला बोधि जो ज्ञान मिला। दूसरा भगवान वो 7 दिन और 7 रात बिना पलक झपकाए ध्यान किए। तीसरा चंक्रमण की वॉकिंग मेडिटेशन। चौथा रतनगढ़ बुद्धिस्ट फ्लैग। पांचवा जयपाल को यज्ञ कर्म से ब्राह्मण। छठा तालाब आंधी तूफान नागरा। सातवा नैरबाल दर्पण वर्मा विजय। बहुत सा लोग कहते हैं राजकुमार सिद्धार्थ एक राजा के बेटे होके अपने बीवी बाल बच्चे के क्यों त्यागा, क्या पाया, संसार को क्या दिया। भगवान बुद्ध कहते मध्यम मार्ग नित अनित विपश्यना मेडिटेशन सेंटर। नाम सुने हैं? कहाँ से रहने वाले? दिल्ली। दिल्ली में नेट पर सर्च करना www.vipsn है। विपश्यना मतलब ध्यान करना, साधना करना। बुद्ध का मेन टीचिंग विपश्यना होता है। हमारा जो माइंड है कभी अतीत और कभी भविष्य, वर्तमान नहीं रहता। मन के अंदर क्रोध और गुस्सा इंसान का शत्रु। ये चाहत तृष्णा इच्छा तरना ये दुख का कारण है। बुद्ध कहते हम लोग इंसान कितना जन्म लेगा कितना और मरेंगे, जब तक चाहत रहेगा, तृष्णा रहेगा, इच्छा रहेगा, तब तक बुढ़ापा है, रोगी है, मृत है, ये संसार में आओगे। तो ध्यान मार्ग ही ज्ञान मारे। अपनी इच्छाओं पर काबू पाना, अपने तृष्णा पर काबू पाना बुद्ध का कहना ज्ञान है। तो विपश्यना करके देखिए बुद्ध का रियल ज्ञान है। यही भगवान बुद्ध का टीचिंग है, यही यहाँ से ज्ञान मिलता है। तो यही ज्ञान मिलता है गाइस, अगर आप गया आते हैं तो बोध गया। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे ही हर जगह की वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा, जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ के वीडियोस, ताकि आपको जाने से पहले एक आइडिया मिले कि वहाँ पे जाके आपको कैसा व्यू मिलेगा। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी ऑन द अदर वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।